जो लोग कहते हैं इमाम हुसैन करबला में क्यों गए, मैं उन्हें कहता हूँ इमाम हुसैन हुजूर की गोद के पाले हुए थे, कमजोर ईमान वाले नहीं थे कि दिल में ही कुड़ते रहते और जुल्म को और जबर को और ज्यादती को और नाइंसाफी को हाथ और जुबान से ना रोकते। हजरत इमाम हुसैन के खुतबे देख लीजिए, कदम कदम पे खुतबे दिए। आपने फरमाया मैं सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहा और ना ही मैं तख्त व ताज हासिल कर लूंगा, मैं अपने दादा की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। जब शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, शरीयत की शक्ल बदली जा रही है, खिलाफत का रिश्ता कुरान से टूट गया है, यजीद उस सारे नज़म को बदल रहा है, तो क्या नबी का नवासा जिसको हुजूर ने गोद में पाला हो वो खामोश होके बैठ जाए? कहा हुसैन ऐसा नहीं होने देगा और इसकी जो भी कीमत अदा करना पड़ी हुसैन वो कीमत अदा करेगा। अगर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त करबला के तपते हुए रेगजार में अपनी कुर्बानी पेश करके जबर का रास्ता ना रोकते, इस्लाम की ये शक्ल जो आपको दिखाई दे रही है ये मौजूद ही ना होती।